नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हर्बल खेती है, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनको हम औषधीय पौधे कहते हैं, तो उसके जो मोटा मोटी अनुमान है कि 20,000 करोड़ उसकी वैल्यू होती है। लेकिन भारत के किसान इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हर्बल खेती है वो किसानों को गरीबी के दलदल से बाहर ला सकती है, क्योंकि ये महंगी बिकने वाली खेती होती है। इसकी क्रॉप्स है वो बहुत हाई प्राइस भी बिकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जो ज़्यादा दिक्कत किसानों को आती है वो आती है मार्केट की, कि वो उसको प्रोडक्ट है उसको बेचे कैसे, कहाँ पर बेचे। तो आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ जयपुर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो एग्रीप्रन्योर है, डॉक्टर अतुल गुप्ता, जो पिछले कई सालों से 2 दशक से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनकी एक्सपर्टीज है कि वो कैसे हर्ब्स को बाजार में बेचते हैं, उनका क्या प्रोडक्ट बनता है। ये तमाम जानकारी उनसे लेने वाले हैं, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो औषधीय पौधे हैं, वो किसानों को कैसे गरीबी से बाहर ला सकते हैं, उनकी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो डॉक्टर अतुल गुप्ता से रूबरू कराऊँ, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अतुल जी, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। सर, जो सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कब से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, इस बारे में थोड़ा सा। मैं लगभग 25 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ जी, और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं। इस समय 70,000 हेक्टेयर में पूरे देश भर में हम मिक्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीन्स कल्टीवेशन है, मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन है, खुशबूदार पौधों की खेती है, तथा अन्य महत्वपूर्ण औषधीय फसलों की खेती है, और उन सब का हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, और फिर हम 300 कंपनियों को सप्लाई भी करते हैं। हमारी कंपनी 350 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम देश के बाहर निर्यात करने में बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। पिछले 15 सालों से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग 80 पार्टियां हैं, जिसमें हमदर्द भी शामिल है, डाबर भी शामिल है, इनके लिए हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और भी बड़े ग्रुप्स के साथ हमारा डायरेक्ट टाइप रहता है, हमारी टीम लगातार संपर्क में रहती है, और हमारी कोशिश यह है कि किसानों का माल ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी रूप में कंज्यूमर तक मिल सके, कंज्यूमर उसका लाभ ले सके, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी, अस्थमा जैसी भयानक असाध्य बीमारियों को वो सिंथेटिक दवाइयों से ना लेकर के नेचुरल हर्ब्स के माध्यम से, हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से ही वो अपना उपचार करे। इस मिशन को लेकर के हम यहाँ पर इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जी। तो अतुल जी, भारत में बहुत सारे किसान हैं जो औषधीय पौधों की खेती करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा नंबर उन किसानों का है जो औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा उनके सामने सवाल आता है, जो हमसे वो सवाल पूछते हैं कि हम उनको बेचें कहाँ पर और कैसे। तो किसान मार्केट कैसे तलाशें? किसानों को कुछ भी तलाशने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, योग्य प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, संपर्कों को बढ़ाना चाहिए, कैसे खेती करनी है, कब खेती करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन बायर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बायर हैं, ये सब चीज़ समझना चाहिए, रेट तय करनी चाहिए, बायबैक एग्रीमेंट करना चाहिए, और इसके अलावा उनकी कैसे हार्वेस्ट करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे स्टोरेज करना है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज से 5 साल के अंदर अंदर जिन किसानों ने इसकी खेती करी है और इनका धैर्य रखा है, वो करोड़पति बन गए। जैसे चिया सीड की कल्टीवेशन में लोगों ने 50 रुपये किलो का सीड, जिसको आज से साल पहले कोई नहीं जानता था, आज वो 250 रुपये किलो बिक रहा है, पिछले साल वो 500 रुपये किलो बिका है, अश्वगंधा वो 500 रुपये किलो तक बिकी है, अभी 400 रुपये किलो का भाव है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनकी बहुत कीमत है। आज आप सहजन के पेड़ जगह जगह देखते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी सूखी पत्तियां 150 रुपये किलो तक बिकती हैं, 100 रुपये किलो उनका आम भाव है, उनको कैसे सुखाना चाहिए, कैसे उनकी पैकेजिंग करना चाहिए। हमारा किसान उगाने में माहिर है, लेकिन वो जब उसको पैकेजिंग करना होता है, जब उसकी ड्राइंग करनी होती है, तब उसको लगता है कि हाय बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। सीखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, और किसको बेचना है इसके लिए संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बुद्धिमान किसान होते हैं जो आपकी वीडियो को भी देख करके अनाप शनाप कई सारी नेगेटिव बातें करेंगे, लेकिन मैं उन सबको कहता हूं कि नेगेटिविटी को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दीजिए, और अपने उत्पाद की सही वैल्यू को प्राप्त करने के लिए लोगों से संपर्क करिए, आपको रास्ता मिलेगा, आप उस रास्ते के लिए काम करो। बिना कुछ करे उल्टी सीधी बातें करना,
खुद नेगेटिव रहना, किसानों को नेगेटिव करना और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको नेगेटिव करना, ये छोड़ करके हमें केकड़े की चाल को छोड़ करके केकड़ा बनने की जगह हमें एक महत्वपूर्ण मेहनतकश एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। भारत का किसान का बेटा खुद एक्सपोर्टर बने, इसलिए काम करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। सफाई करना में, जैसे हम किसी चीज़ की सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद वो प्रोडक्ट सुंदर लगता है, इसी तरीके से सफाई करके बेचने वाली वस्तु की कीमत भी उसी प्रकार से डबल हो जाती है या अलग हो जाती है। अपने आप की सफाई करने के साथ साथ, अपने दिमाग की सफाई करने के साथ साथ, हमें अपने उत्पादों को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, साफ सफाई से पैकेजिंग करके एक उद्योग की तरह बेचना चाहिए। मैं आपके इस पैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर 70% किसान हैं जो खेती करता है और भारत की अर्थव्यवस्था खेती से चलती है, लेकिन खेती को उद्योग का दर्जा नहीं है और होटल को उद्योग का दर्जा है। लेकिन संविधान में पहली ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है किसान, भारत का उद्योग क्या है, किसान उद्योग है। तो किसानों को उद्योग की तरह चलना, बोलना, सीखना और बताना यदि साबित कर दिया तो भारत भी उद्योग, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या होगा, कृषि और कृषक द्वारा उद्योग होगा। फिर कभी भी किसान को दया की तरह अपने आप को सरकारों की तरफ से झुकने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जरूरत क्या है, अपने आप की सफाई करना। अतुल जी, भारत के किसानों के साथ ऐसा माना जाता है कि पीढ़ियां जो कर्जे में डूबी रहती है, एक सच है भारत के किसानों का कि वो बच्चा पैदा होता है कर्ज लेके पैदा होता है, कर्ज की गठरी के साथ वो अपनी जिंदगी पूरी कर देता है। तो क्या मेडिसिनल जो प्लांट्स है, जो औषधीय खेती है, क्या इसमें वो क्षमता है कि भारत के किसानों को कर्ज से मुक्त करा सके? दुनिया में जैसे मान लो कि अभी प्रश्न किया कि मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से क्या भारत के किसानों को कर्ज मुक्त करा सकते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि गाय का गोबर बेचना चालू कर दो, आप कर्जा इनकम ज़्यादा होगी तो कर्जा खत्म होगा। आप नीम के पेड़ अनेकों होंगे, क्या आपने कभी सुना है कि नीम की पत्तियां 40 रुपए किलो बिकती है और 40 रुपए किलो पत्तियां यदि किसान 24 घंटे में 50 किलो बेचता है, हार्वेस्ट करके सुखा लेता है और उसके परिवार के लोग 50 किलो माल डेली सुखा देते हैं तो 2000 रुपया रोज होते हैं, और वो 40 रुपए किलो में कौन खरीदेगा, ये मैं बता सकता हूँ। तो बताएं। और इसके अलावा मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने सारे लोग खरीद सकते हैं जी। आपकी लागत तो लगी जीरो जी। इनकम हुई 2000 रुपए रोज और उसमें आपके परिवार के सभी लोगों को रोजगार मिल गया और आपने किसी के सामने दया भी नहीं करी। आप 2000 रुपया रोज किसी को कर्जा चुकाते हैं तो आप कर्ज में रहेंगे या नीचे रहेंगे? इसके अलावा और सुनिए, आप गोखरू होता है, कांटेदार चीज होती है गोखरू, उसका भाव है 80 रुपया किलो और वो कहाँ उगता है, रेतीली जमीन पर अपने आप उग जाता है, उसका कोई बीज डालने की जरूरत। तो आप एक बात सोचिए कि यदि आपने केवल कलेक्शन करने मात्र से यदि आप लाखों रुपया कमा रहे हैं तो आप गरीब कैसे हो सकते हो साहब? इसके अलावा और सुनिए, देखिए गोखरू, ये देखिए, ये छोटा गोखरू है, ऐसे बड़ा गोखरू लाना, हम इसके लिए खरीदने के लिए तैयार हैं। और हम ही नहीं, आप मेरे ऊपर मत करिए भरोसा, अनेकों अनेक लोग खरीदने को तैयार हैं। ये एक औषधि है, आप देखिए बड़ा गोखरू, ये अभी 120 से लेकर 140 रुपए किलो का भाव है। आप सोचो ये इसमें क्या पैसे लग रहे हैं किसी के। आपने मुझसे कहा कि किसान अमीर बन सकता है, कि मैं कह रहा हूँ लागत ही नहीं है, ये तो फ्री का, फ्री में आपको पैसा मिल रहा है। ये है सतावर जी। पीली सतावर जमीन के अंदर रहती है, इसको 350 रुपए किलो तक बेचा जाता है, ब्रोकर लोग इसका फायदा उठाते हैं, इंडस्ट्रीज को माल मिलता नहीं है, किसान कहता है इसको छीलूं कैसे, इसको ये कैसे करूं, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि किसान को विश्वास नहीं होता कि ये 350 रुपए किलो में ये माल बिक जाता है। जब एक बात सोचिए, 350 रुपए किलो में जब एक माल बिकेगा वो आपके 20 रुपए किलो गेहूं से तो कई गुना ज्यादा है, आपके 60 रुपए किलो की सरसों से तो कई गुना ज्यादा है जी। आपको इनकम बढ़ानी है अपनी तो एक बार प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसको कई बार दोहराना पड़ेगा, जब जाके आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। जैसे आप गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्के में प्रोफेशनल बन गए हो, ऐसे इसमें भी बन जाओगे। लेकिन आप ये सोचिए, 350 रुपए किलो का वस्तु आज उपलब्ध नहीं है
और आप कहते हैं मार्केट की बात, मार्केट में आपके पास ये माल होना चाहिए, 100 टन माल होना चाहिए, 100 टन बिकता है, 1000 टन होना चाहिए। तो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले लोग, हमसे करिए ना, हम आपको 500 रुपये किलो में 500 रुपये में लिख के देंगे। इसके अलावा देखो आप सफ़ेद मूसली, आपको मैं बताता हूँ सफ़ेद मूसली इस समय पर 2000 रुपये किलो का भाव है, ये वाली और 2000 रुपये किलो का मतलब ये नहीं है कि 1 किलो का भाव है जी। आपके पास जितना माल हो उतने का भाव है 2000 रुपये किलो का। अब आप सफ़ेद मूसली उपलब्ध ही नहीं है, इसकी तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, आपकी ताकत बढ़ाती है ये, महिलाओं के रोगों के लिए बहुत बढ़िया है। छतावर किसान भाइयों, करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्सी पावत जात है और सिल पे पड़े निशान। बड़े बोलने की बात नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है कि आप किसी भी एक चीज में जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है उस एक कार्य को करके अपने आप को शीर्ष पे पहुंचा सकते हो। आप यदि सतावर की खेती करके एक ही गांव में बायर, मतलब उसी गांव को सतावर का गांव बना दो जी, गोखरू के अंदर गोखरू का गांव बना दो, स्टीविया के अंदर स्टीविया का गांव बना दो, अपने आप मार्केट बनता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उसका इंडिकेशन करा दीजिए जी, जीआई टैग। इफ यू आर इंटेलिजेंट पर्सन और आप कहते हो कि मैं ऐप चलाता हूँ, मेरठ ऐप डाउनलोड करो, आपके इतने डाउनलोड हो जाएंगे, अब एक गांव को मिशन के रूप में आर्थिक समृद्धशाली बनाने के लिए उसमें लोगों को क्या चाहिए, एक बारी तो वो सक्सेस होना सिखाना ही तो है। हम मदद करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे आपकी जी। आप दुनिया का राज्य इंडिया का कोई गरीब से गरीब गांव ले आइए जिसमें होनी चाहिए गरीबी, उसमें होनी चाहिए पानी की समस्या, उसमें होनी चाहिए भूमि, उसमें होनी चाहिए, लेकिन एक चीज के मेहनत कश गरीब लोग जो ये कहते हों कि हमको बस पेट पालना है, हमको आगे बढ़ना है, हमारे पास में 1-1 बीघा जमीन है, वो गरीब ले आइए, मैं उनको लिए पूरी चीज़ों की सुविधा कराऊंगा और उस गांव को उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या इस औषधीय पादपों के लिए या जैविक कृषि के लिए मैं आपको अपनी सेवाएं दूंगा और उसकी बिक्री की प्रबंध भी करूँगा। आप डरो मत, आप भयभीत क्यों होते हो, आपको तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा निर्भीकी आप हो, सरकारें बना देते हो, सरकारें झूठ बोलती हैं कि लोन माफ़ कर देंगे, फिर भी लोन रहता है, आपको हर व्यक्ति लूटता है, जितने भी लोग आपसे मिलने आते हैं वो आपको मीठी मीठी बातें करके कोई ट्रैक्टर बेच देता है, कोई फ्रिज बेच देता है, कोई कुछ और बेच देता है, हर आदमी आपसे पैसा लेके जाता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब आप कुछ आपकी फसल बढ़िया हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, ओले पड़ जाएंगे, पानी गिर जाएगा, जब बुवाई होती है तब पानी गिरेगा नहीं, बीज सूख जाता है। आप मत डरो, आप प्रशिक्षण लो, आप 100 एकड़ में मत करो, आप 1 एकड़ में करो, 1 एकड़ में मत करो, आप उससे भी 10वां हिस्से में करो, लेकिन पहले सीखो। भय ही मृत्यु है, मृत्यु के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप डर जाइए, मृत्यु हो जाएगी। आपने कहा कि भारत के किसानों की अर्थव्यवस्था कमजोर है, रिस्क लीजिए, कौन सी वाली, कुछ नया कर, कुछ ऐसा नया करने की जो अमेरिका के राष्ट्रपति आपके बारे में जानने की कोशिश करें, क्या किया है, क्या कर दिया भारतीय किसानों ने जी। भारत को इजराइल से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, ये मेरा सपना है और राजस्थान राज्य को जैविक राज्य बनाने में जा रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करने के लिए आइए, मेरा कंधे से कंधा मिलाइए, मैं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने जा रहा हूँ, उनके लिए मेरी मदद करिए, आप मुझसे जुड़ के मेरी मदद करिए। मैं एक भी किसान को 2030 के बाद से मरता नहीं देखना चाहता, एक भी किसान को मैं आर्थिक कमजोरी नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारे IIM IIT और जितने भी शिक्षा के बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे और वो और किसान के बच्चे और किसान जो है उनको नौकरी दे अपने खेतों में और उनसे कहे कि हमारे खेतों में आइए और प्रोफेशनलिज्म करिए और हम आपको महीने का 5 लाख रुपया देंगे। उस सोच को पूरा करने के लिए आप सोच बनाइए, आप विजन बनाइए। सोचने वाले जब चांद पे जा सकते हैं ना, तो आप 5 लाख रुपये महीने का कर्मचारी रख सकते हो, सोचो जरा। और यदि आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये तो अपना धंधा चला रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आप बताओ ट्रेनिंग में, आप बिना ट्रेनिंग डे पे आइए, हमारी पूरी टीम आपको ट्रेनिंग की तरह ही डील करेगी जी। तो अतुल जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और एक मुझे लगता है कि जो हौसला मिला है कि जो
जो खेती को लेकर डाउट होता था औषधीय प्लांट्स की, उसको डर को आपने दूर किया, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जो प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचते हैं, तो जो किसान उगाते हैं वो अतुल जी से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये बहुत फ्रूटफुल रहा, आपका फार्म का विजिट किया मैंने, इनको देखा, इनका मॉडल देखा, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। अगर आप खेती करना सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, बहुत दूर रहने वाले हैं, तो आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म है फ्रीडम ऐप। अगर जैसे आप शतावरी की खेती सीखना चाहते हैं, आप एलोवेरा की खेती सीखना चाहते हैं, तो उस पर एक प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। जैसे अतुल जी एग्रीप्रेन्योर है, ऐसे ही भारत के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों के जो एग्रीप्रेन्योर है उनके साथ वो कोर्सेज बनाए गए हैं, जिसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और आप जो औषधीय खेती करेंगे उससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आपकी गरीबी जो भारत का है वो दूर होगा। जी अतुल, आप फ्रीडम ऐप के माध्यम से जो भी व्यक्ति काम करना चाहेगा, हम उसको बायबैक फैसिलिटी देंगे। हम एक एकड़ से ऊपर वाले व्यक्ति को बायबैक फैसिलिटी दे देंगे, पहले से ही 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो एग्रीमेंट कर सकता है। और दूसरा, यदि किसी के पास बेचने के लिए उत्पाद है, कोई भी जड़ी बूटी जिसको हम ले सकते हैं, वो अपना सैंपल भेजे हमें, वो यहाँ आकर के भी बात कर सकते हैं। और विश्वास रखिएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम माल खरीदते हैं, हम माल बेचते हैं। और मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि अपने किसान भाइयों को हमारी फैक्ट्री का भी विजिट कराई दिखाई, जिससे कि उनको ये पता लगे कि ये एक यही नहीं, हमारे पास फैक्ट्री का सेटअप है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास प्रोसेसिंग है। तो वो भी आप बताइए, जिससे कि इनको आपके जो फ्रीडम ऐप के जो किसान भाई हैं उनको एक भरोसा कायम हो और वो कहीं ऐसा कोई आत्मन में सोच करके अपने पैरों को पीछे ना खींच पाए। ये दोस्तों आपने देखा कितना मज़ेदार कन्वर्सेशन रहा। और जो एक डाउट जो मैं जब भी किसानों से बात करता था उनको हमेशा रहता था कि मार्केट कहाँ मिलेगी, माल कहाँ बेचेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो फियर आपका दूर हो गया है और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस ज़रूरत है शुरुआत करने की। ज़रूरत है नॉलेज का हाउस बनने की। पहले नॉलेज का हाउस बने, आए, देखें, समझें, पहले उपयोग करो फिर विश्वास करो। अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, तो, और ये विजिट करिए, ये सबसे बड़ी चीज है। विजिट करिए और विजिट कर, देखो आप बिहार के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा, दुनिया पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाती है, मॉरिशस जाती है, कहाँ कहाँ जाती है। हम व्यापार के लिए इधर उधर नहीं जा सकते, और आप इसको खेती ना समझें, इसको व्यापार ही समझें। ये एग्रीकल्चरशिप है असल में। जी जी जी, तो थैंक यू अतुल जी, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहा है। अब जो किसान जो कम से कम मुझसे सवाल पूछते थे कि इसको बेचेंगे कहाँ, उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी जवाब नहीं मिला तो अतुल जी बैठे हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी, नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।